दोनों ही चुनावी मैदान में पहुंच चुके हैं, नरेंद्र मोदी भी और राहुल गांधी ने। दोनों ने आज जमकर पसीना बहाया। प्रधानमंत्री ने शहरी नक्सलियों का मुद्दा फिर से उठाया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यूं तो छत्तीसगढ़ में मौसम सर्द होने लगा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां की चुनावी मौसम में गर्माहट ला दी। नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर की पहली चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सल कार्ड खेल दिया। जगदलपुर की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने अर्बन नक्सलवाद का मुद्दा उठाया और कांग्रेस पर आरोप जड़ दिया कि जब भी नक्सलियों पर एक्शन की बात आती है, कांग्रेस उन्हें बचाने पहुंच जाती। जो अर्बन माओवादी है वो शहरों में एयर कंडीशन घरों में रहते हैं। इस चुनाव में लड़ रहे कांग्रेस का लोग जवाब दें कि आप उन अर्बन माओवादियों की रक्षा के लिए बयानबाजी करते हो, उनके खिलाफ अगर सरकार कानूनी कार्रवाई करे तो आप उनको बचाने के लिए मैदान में आते हो और यहां आकर के नक्सलवाद के खिलाफ ढूलमूल बातें करके वोट तराशते हो। प्रधानमंत्री मोदी ने रमन सिंह सरकार की तारीफ की और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। पहले भी चुनाव होते थे, पहले भी राजनेता आते थे, सरकारें पहले भी बनती थी, लेकिन उन सरकारों की सोच यही रहती थी, मेरा तेरा, अपना पराया, ताकि उनका कुनबा बना रहे, वोट की पेटियां भरता रहे और उनकी दुनिया चलती रहे। उधर राहुल गांधी ने भी छत्तीसगढ़ में जमकर पसीना बहाया। कांकेर में कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी ने राफेल घोटाले और नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हल्ला बोला। नोटबंदी कर दी, 500 रुपए 1000 रुपए रद्द कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सब लाइन में खड़े थे, बैंक के सामने खड़े थे, काले धन वाला लाइन में एक नहीं दिखा। राहुल गांधी ने राजनांदगांव में रोड शो किया, कांकेर और डूंगरगढ़ में रैली को संबोधित किया, मोदी सरकार पर हमला बोला तो कांग्रेस की सरकार बनने पर दावों और वादों की झड़ी लगा दी। तो आप सबको एक साथ मिलकर लड़ना है, आपकी सरकार आने वाली है, किसानों की, मजदूरों की, गरीब जनता की सरकार होगी, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की भी सरकार होगी और गरीबों के लिए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर, मंत्रियों, एमएलए और एमपी के दरवाजे खुले मिलेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रचार के अंतिम दौर में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी। बयानों में तल्खी बढ़ी, आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लग गई। पैसे पहले भी थे, योजनाएं पहले भी थी, लेकिन कारोबार बिचौलियों के हाथ में था और इसलिए नीचे कुछ पहुंचता नहीं था। हमने इन बिचौलियों को खत्म किया और रास्ता साफ कर दिया। कंपल्सरी टैक्स लागू किया है और इस टैक्स का लक्ष्य छोटे दुकानदारों से, गरीब लोगों से पैसे छीनने का है। जैसे हमारी सरकार आएगी हम गब्बर सिंह टैक्स को बदलेंगे। जब रमन सिंह जी यहां सरकार चला रहे थे वो 10 साल ऐसे बीते कि दिल्ली अड़ंगे डालना यही उनका काम था और उनके दिल में ऐसी आग पड़ी थी कि रमन सिंह छत्तीसगढ़ में, ये भाजपा वाले, वो 10 साल तक यही खोजते रहे यहां के सारे काम अटक जाए। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनाव के बाद आप 10 दिन गिनना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ करके देगा।
छत्तीसगढ़ में बस्तर की 12 सीटों और राजनांदगांव की 6 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों से रमन सिंह की सरकार है। इस बार बीजेपी के पास जहां सत्ता बचाने की चुनौती है, वहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक।